धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। इस सदन में ये मेरा पहला भाषण है और इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहूंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लगातार चर्चा हो रही है और अभिभाषण के विषय पर विपक्ष ने भी अपनी बात रखी, अन्य दलों के लोगों ने भी अपनी बात रखी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय को कहना चाहती हूं कि भारत में लोकतंत्र का पर्व सबसे बड़ा पर्व होता है और लोकतंत्र के पर्व में जो जनादेश मिलता है वो जनादेश भारत की जनता का होता है। इस बार का जो जनादेश है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि ये देश इस बार करवट ले रहा है, एक नई आकांक्षाओं के साथ, नई आशाओं के साथ। और भारत का जन जन नई आशाओं को आलिंगनबद्ध करने के लिए खड़ा है। पूरे देश में जो जनादेश मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि दोनों हाथ से जनता ने आशीर्वाद दिया है। और दोनों हाथ से अगर जनता ने आशीर्वाद दिया है तो उस विषय को इस सदन में, ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय था, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आप लोगों को सुहाने सपने दिखाकर इस पद पे आ गए, आपकी सरकार बन गई है। खुला खुला जनादेश का अपमान इस सदन में नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण के दौरान किया, ये बात मुझे कभी गले नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ये बात सच है, आप नहीं कर पाएंगे। आप गरीबों की चिंता नहीं कर पाएंगे, ये बात सच है, ये बात सच है कि आप महिलाओं की चिंता अभी तक न किए हैं और ना आप उस पर कर पाएंगे। आपने अल्पसंख्यक वर्ग को वोट की तुष्टिकरण की राजनीति के लिए आपने उपयोग किया है, इसलिए आप नहीं कर पाएंगे। आपने इस बात को सच कहा और लगातार लगातार जो चीजें आपने कही हैं, आप कहते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, जो हमने किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, सच बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहती हूं आपके माध्यम से इस सदन में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की इस देश के, अगर महिलाओं की चिंता अगर उन्होंने की है तो इस भाव के साथ में किया जिस प्रकार से एक पिता अपने बेटी की चिंता करता है, एक भाई अपनी बहन की चिंता करता है। जब शौचालय बना, शौचालय बनाने की बात हुई, मैंने एक समाचार पत्र में कांग्रेस के एक नेता का वक्तव्य पढ़ा कि हमने शौचालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री को नहीं प्रधानमंत्री बनाया इस देश की जनता ने, आश्चर्य का विषय था। लेकिन उस बेटी से पूछिए जो पूरे दिन इंतजार करती है कि सूरज ढल जाए, अंधेरा हो जाए तो मैं बाहर चली जाऊं, और जब वो बाहर जाती है, अगर दिन में उसे जाना पड़ता है, उसके आत्मसम्मान को जो ठेस लगती है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल कहना चाहती हूं कि उस आत्मसम्मान के ठेस को केवल और केवल वो बेटी, वो बहन ही समझ सकती है जो खुले में शौच जाती है। एक देश में प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चिंता की कि अगर शौचालय बनना चाहिए, वो मेरी बिटिया जो बाहर जाती है उसके आत्मसम्मान को रोज ठेस लगती है, वो आत्मसम्मान को ठेस नहीं लगे, इसलिए उन्होंने शौचालय बनवाने की बात की और शुरुआत करी। इस देश में देश के प्रधानमंत्री बहुत पहले भी हुए। उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत सारी बात हुई, मुझे लगता है कि इस विपक्ष में एक बात तय है, इन्होंने कभी भी 5 साल में 2014 के बाद आज तक इन्होंने कभी भी सरकार की तारीफ नहीं करी, और कोई दिन, कोई सुबह ऐसा नहीं हुआ जिसमें इन्होंने सूरज निकलने के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कोसने की शुरुआत नहीं की हो। लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं बीता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें इस देश का गरीब दोनों हाथ से दिन निकलने के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद न दिया हो। आज उसका परिणाम है कि आज इस देश का जनादेश प्रचंड जनादेश में परिवर्तित हो गया है, न भूतो न भविष्यति की स्थिति वाली है। ये जनादेश यूं ही नहीं मिला, अगर ये जनादेश मिला है तो इस जनादेश के पीछे बहुत बड़ा कारण भी रहा है। लगातार लगातार 5 सालों तक काम करने की ताकत रही है,
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उज्ज्वला योजना, इस देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से आह्वान किया कि जो लोग सक्षम हैं वो सब्सिडी छोड़ दें। इस देश के इतिहास ने करवट ली, 1,20,00,000 लोगों से ज्यादा लोगों ने सब्सिडी प्रधानमंत्री के आह्वान पर तत्काल छोड़ दी। ये इस देश का इतिहास है बंधुओं। मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूं कि वो सब्सिडी जिस तारीख को छूटी उसके बाद उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। देश के प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार से आते हैं, गरीबी क्या होती है ये उन्होंने देखा है, गरीबी को भोगा है, और उन्होंने अपनी माताजी को जो गीली लकड़ी अपने बेटे को भोजन देने के लिए 172 सिगरेट का धुएं, 172 सिगरेट के धुएं के बराबर धुआं अपने बेटे को खाना खिलाने के लिए एक बार छाती में एक माँ उतारती है, इस देश के पहले के किसी प्रधानमंत्री ने इस बात की चिंता नहीं करी। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद उन्होंने चिंता की कि वो माँ जो अपने बच्चों को भोजन देने के लिए चूल्हा जलाती है, लकड़ियां जलाती है, 172 सिगरेटों के धुएं को एक बार में अपनी छाती में अपने बेटे के कारण उतार रही है। समय खत्म हो रहा है, कृपया वाइंड अप करें। समय खत्म हो रहा है, कृपया वाइंड अप करें। सदन के बैठने की सीमा तय है, मैं सदन के बैठने की सीमा तय है उसके अनुसार ही हम सब प्लीज आप कहें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम शब्दों में बोलती हूँ, आप मुझे बार बार टोकेंगे तो मैं मेरा विषय छूट जाएगा। आप एक मिनट में अपना अपनी बात खत्म। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि देश में जो करवट बदल रही है उसको विपक्ष को सराहना चाहिए। बार बार आज विषयों पर चर्चा हुई, उसमें बार बार इतिहास की बात हुई। माननीय आनंद शर्मा जी ने इतिहास की बात की, हमने कब नकारा? हम मानते हैं कि भारत देश गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा है, समृद्ध इतिहास का साक्षी रहा है, और ये समृद्ध इतिहास ही रहा है जिसमें हमने 21 जून को जो योगा डे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, आज विश्व में हमें लोग फिर से विश्व गुरु का दर्जा देने की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण कर रहे हैं। ये शुरुआत हुई है, और अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उसे भी कहिए, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो और हमारे यहाँ शौचालय की बात हो। आज इस विषय पर एक मैं जरूर बात कहना चाहूंगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बार बार उपहास की नजर से देखा गया। वो समय को याद करिए जिस समय इस भारत की राजधानी की सड़कों पर खत्म कर रहे हैं निर्भया कांड हुआ था, और निर्भया कांड के ऊपर पूरा युवा वर्ग सड़क के ऊपर था। वो निर्भया कांड के बाद 1,000 करोड़ रुपए की राशि कांग्रेस की सरकार ने दी, लेकिन उसकी एक भी राशि का उपयोग नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय को कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ बेहतर हुआ है तो उसे जरूर करिए और उसे सराहिए, क्योंकि यह अपेक्षा है, कोसिए मत। ये देश का प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री है जिसने अपने 365 दिन में एक भी अपने लिए नहीं दिया है। मैं केवल अपनी अंतिम बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगी। आज आनंद शर्मा जी ने कहा कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। मैं चाहती हूँ कि ऐसे निंदक 5 वर्षों के बाद भी हम सब लोगों के साथ जरूर रहे, मेरी शुभकामना है कि वो जरूर रहे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम तो एक मिनट हम उस परंपरा का पालन करते हैं जिसको जिसमें कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाटी हाथ, जो घर फूके अपना आए हमारे साथ, हम इस परंपरा के पालन करने वाले लोग हैं। धन्यवाद।